नमस्कार दोस्तों, फाइट कोरोना फ्लूट सीरीज के 177th एपिसोड में मैं तेजपाल हिमाचल की खूबसूरत वादियों से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की श्रृंखला में हम जारी रखेंगे 90s के हिट सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स और उनका सिंपल सा ट्यूटोरियल जो कि मेरे सभी बिगिनर्स दोस्त आराम से बजा सकते हैं। तो आज का जो ट्यूटोरियल होगा वो होगा मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी का सॉन्ग है। सारे शुद्ध स्वर इसमें लगे हैं और तीव्र मौका इसमें यूज है। और मैं इसको आपको सी शार्प मिडिल फ्लूट पर इसका टोटल देने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तब तक आप मजा लीजिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वादियां जो पहाड़ यहाँ पे। चारों तरफ और आज फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। 4 जून है आज। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, मेरा दिल भी कितना पागल है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली लाइन से। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ध और नी है, दो स्वर इसमें मंद्र सप्तक पिछले वाले लगते हैं, जिनको कि मैं स्मॉल लेटर से, हमेशा की तरह स्मॉल लेटर से दिखाऊंगा। उसके बाद मध्य सप्तक वाले सारे कैपिटल लेटर से और हाई ऑक्टेव वाले तार सप्तक वाले प्लस के साथ में डिनोट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो उसकी पहली लाइन है इसमें तीव्र मा का यूज है। ठीक है, मेरा दिल भी फिर उठेगा गाना, कितना पागल है। अच्छा, मेरा दिल भी मैं है नी, मंद्र सप्तक का नी और फिर सा रे रे। मेरा दिल भी कितना कितना के लिए आपके प म तीव्र, फिर एकदम से ग को हल्का टच देते हुए रे ग म। कितना प म रे ग म पागल है। देखो, पागल है मैं म ग म ग, ये वाला हल्का सा जल्दी से आप बजाएंगे इसको मगा मगा और फिर ग ग ग और रे का कण। ठीक है, अब पूरी लाइन देखिए। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको लगातार, तब ये अच्छी तरह से आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है मेरे साथ में। एक तो ऑल्टीट्यूड ये 15,000 फीट से ऊपर है और प्लस आपको जो है यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ठंड ज्यादा है, तो फ्लूट की ट्यूनिंग में भी फर्क होता है। ठीक है, आप सुरों पे ध्यान दीजिए और मेरा फिंगर्स मूवमेंट देखिए। आप सेकंड लाइन, ये प्यार तो तुमसे करता है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे पहले। ये प्यार तो सा नी धा नी धा नी धा, ये प्यार तो तुमसे नी सा ग करता है, गरे 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 रे। ठीक है, ये आपने सिर्फ ये देखना है कि ग और रे है और गाने को सुनना है और अपने आप उंगलियां प्रैक्टिस करनी, खुद उसमें प्रैक्टिस करने की। नोटेशंस मैं आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, फिर भी जो है पूरी लाइन देखिए। ये प्यार तो सा से नी की तरफ जाएगा, नी ध की तरफ, फिर वापस आएगा ये ध नी और फिर सा रे तक जाएगा और गौ के टच के साथ। करता है, यहाँ पे सा का हल्का सा टच दे दिया से। ठीक है, फर्स्ट दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरी हुई। अच्छा, अब हम इसके थर्ड लाइन जो कि बहुत ही सुरीली लाइन है, ये इसको जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से। अब ये एकदम से, अभी तो हम पिछले सप्ताह के नी पे शुरू कर रहे थे, अब हम हाई ऑक्टेव के नी पे जाएंगे और फिर उससे पीछे आएंगे। पर सामने जब तुम आते हो,
ठीक है, हाई वाले नी से, मतलब मिडिल ऑक्टेव वाले नी से शुरू किया और फिर पीछे आए गा तक, ठीक है। पर निधा सामने जब तुम धनी धनी धाप आते पौधा प आते हो, ये बहुत प्यारा है, मागा मागा आते हो, ठीक है पूरी लाइन देखिए। पर सामने जब तुम आते हो, ठीक है, कुछ भी कहने से डरता है, ये गाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, ठीक है। कुछ भी पूरा देखिए आप, हैं कुछ भी कहने से निसागा गगा मगा धाप मगा 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 रे रे, तो ये जो इसका है सेकंड पैराग्राफ, कुछ भी कहने से डरता है, उसके बाद ओ मेरे साजन ओ मेरे साजन साजन साजन, कुछ कुछ इस तरह से है। तो इसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है, चार लाइनें हैं एक्चुअली। फर्स्ट लाइन इज ओ मेरे साजन प मारे गागा, मौत यूर आएगा, ठीक है। सेकंड लाइन इज ओ मेरे साजन द ग म प प, और थर्ड लाइन साजन साजन, इसमें प म रे एक साथ थोड़ा जल्दी से आएगा, साजन साजन, और ये जो हूं ये ध को थोड़ा सा लंबा खींचना है आपने, ठीक है। और फिर चौथे वाले में मेरे साजन, ये ध ऐसे आएगा पिछले से आ रहा होगा, उसके बाद ध तो आ ही रहा है पहले से, ग म प प, अब ये चारों एक साथ देखिए आप किस तरह से आएगा, ओके। नाउ दिस सेकंड पोर्शन इज कंप्लीट। तो अंतरा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि ये हाई ऑक्टेव के ग तक जाएगा। कितना इसको समझाता हूं, ठीक है, देखिए पा से शुरू होगा और ये हाई ऑक्टेव के ग तक जाएगा, ठीक है। लास्ट में मैंने क्या किया, निधा प, ये आप इसलिए ला रहे हो क्योंकि आपने इसको रिपीट करना है फिर से पॉज है। कितना इसको बहलाता हूं, सेकंड टाइम जो है उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम दोबारा से देख लीजिए, प प नी नी नी, और कितना इसको, ये इसका कीवर्ड है, याद रखिए, मुझे मुश्किल आई थी इसलिए आपको बता रहा हूं। कितना इसको, को में ये सा आ जाना चाहिए, ठीक है, को समझाता हूं, फिर से कितना इसको बहलाता हूं, अभी बहलाता हूं मैं, ये रे पे रुक जाएगा, अभी हमें दोबारा से नहीं जाना इसको निधा पा तक, ठीक है, क्योंकि अगली लाइन जो है नादान है ये, वो रे से शुरू होनी है, तो इसको मुझे रे पे ही रोकना पड़ेगा। देखिए पूरा लाइन देखिए भी है, पहले मैं रे पे रुक गया, हैं, क्योंकि अगली लाइन के लिए हमने जाना है, क्या है वो,
नादान है ये, नादान है, कुछ ना समझता है। नादान में रे रे गरे। नादान है रे रे गरे सा सा सा, समझता है सारे सा नी 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 धनी दा। अब धा तक आ गए, ठीक है। क्यों पे धा पे रुकते? क्योंकि नेक्स्ट लाइन अभी धा से टेक ऑफ होनी है। दिन रात ये आहे पड़ता है। इससे पहले एक बार दोबारा देख लीजिएगा नादान वाला लाइन को। अब दिन रात में देखिए, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है यहाँ पे, प्लीज बियर विद मी। दिन रात ये आहे भरता, दिन रात दिन के लिए धा धा ही रहेगा। दिन रात ये एक ही जगह में यहाँ पे धा कोमल है, वो भी बहुत हल्का सा होगा, उसमें आपको मुश्किल नहीं आएगी। है दिन आहे सा नी धा, धनी धनी द पापा भरता है।